अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत इजी और बहुत ट्रेंडिंग और लॉकडाउन स्पेशल रेसिपी है, जिसका नाम है पोटैटो बॉक्स पैटीज। बहुत ही इजी सी और झटपट सी रेसिपी है, और आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेना है, उस पैन के अंदर हमने ऑयल डाल लेना है, और इसके बाद हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। एक हमारे पास लार्ज साइज़ की हमने गाजर लेनी है, और एक लार्ज साइज़ की हमने लेनी है शिमला मिर्च, और बंद गोभी जो है वो हमने लेनी है हाफ, जिसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में काट लिया हुआ है। अब आपने तमाम जो सब्ज़ियाँ हैं आप इसके अंदर डालेंगे। सब्ज़ियाँ आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। जैसे मटर डाल सकते हैं, और दूसरे तीसरे कलर की अगर आपको शिमला मिर्च नज़र आती है तो वो भी डाल सकते हैं। यानी कि सब्ज़ियाँ आपके पास जो हैं वो ऑप्शनल है। जितना आप वेजिटेरियन होगे आप उतना ही सब्ज़ियों को ऐड कर लोगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा देन इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू तकरीबन मेरे पास है एक लार्ज साइज़ का जो आलू है वो अब हम इसमें डालेंगे। देखें, अब आप इसके अंदर आलू डालें। आलू जो है वो सब्ज़ियों की क्वांटिटी के मुकाबले में कम हो, ठीक है। अब आलू अब आपके पास कम है और सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं। अब ये देखें, अब आपके पास ये मिक्स हो चुका हुआ है। देन इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हो। आप इसमें धनिया जो है वो स्प्रेड कर लोगे इसके साथ। अगर आप इसमें जैसे स्पाइसेस जैसे आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि आप इसमें डाल सकते हो नमक भी ज़्यादा डाल सकते हो, इसके अलावा आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, हरी मिर्चें भी डाल सकते हो। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद आपने डालना है कि जो आलू वाले मिक्सचर में तकरीबन हाफ कप आप इसमें डालोगे मायोनीज़, ठीक है। अब आपने इसमें मायोनीज़ डाल के साइड पे रख लेना है। अब आपने दो स्ट्रिप्स उठानी है, स्ट्रिप्स ये आपको मार्केट में मिल जाती हैं। इसके बाद हमने मैदे का घोल तैयार करके रखा हुआ है, और उसको आपने स्ट्रिप्स को ऊपर नीचे ऐसे रखना है कि एक प्लस का साइन बन जाए। अब हम इसमें पोटैटो डालकर अब हम इसको एक बॉक्स की शेप दे लेंगे, जैसे इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से वन बाय वन आपने सबसे पहले मैदे की लई लगानी है, फिर इसके बाद आपने इसको प्लस का निशान बनाना है, और आपने इसमें अब पोटैटो जो है वो इसके अंदर डाल देनी, ठीक है। फिलिंग आपने ज़्यादा नहीं करनी, और इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो है ये इसको रेडी कर लेना। देखिए ये रेडी हो गए हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब आपने इसको जो है वो हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है, और जैसे ही आपको लगे कि भाई जो है वो एक साइड गोल्डन हो चुकी है तब आप इसको टर्न कर लीजिएगा। और आपने ये कोशिश करनी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। देखें आपके पास ये बिल्कुल ब्राउन तकरीबन हो चुका हुआ है। अब वक्त आ गया कि अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपने इसको डिश आउट कर लेना है, ठीक है। अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो, और आप इसको फ्राई भी कर सकते हो। फ्रीज़ आप इसको एक महीने के लिए भी कर सकते हो। देखिए जी, झटपट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।